मंत्री जी, कहो हमारे राज्य में सब प्रकार से कुशल से तो है। हमारे राज्य में राम राम। हमारी प्रजा को कैसे हो? कोई वेलकम कष्ट तो नहीं? तो रिश्तेदार आए उसके घर पे लेट हुआ। मंत्री जी, हमारी प्रजा प्रसन्न तो है? हमारी प्रजा प्रसन्न तो है? कब से कह रहा हूँ मंत्री, महाराज हमारी प्रजा सभी प्रकार से कुशल है। सभी प्रकार से कुशल है। हमारी प्रजा को कोई भी कष्ट नहीं है। महाराज, आपके राज्य में आपको प्रजा को स्त्रीलिंग यानी कैसे? महाराज, आपके राज्य में आपकी प्रजा को, आपकी प्रजा को, आपके प्रजा को कैसे कष्ट हो सकता है? क्या बोलना है महाराज? आपके राज्य में आपकी प्रजा को कैसे कष्ट हो सकता है? बहुत अच्छे, यह सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे राज्य में ये हमारे राज्य में सभी प्रकार से कुशल है। मंत्री जी, क्या भाई भी ऐसे नीच होते हैं? क्या भाई भी ऐसे नीच होते हैं जो भाई को काल के मुख में डालकर राज्य के भोगों का आनंद लेते हैं? क्यों नहीं महाराज? देवी जी प्रॉपर चल रहे हो। मंत्री जी, क्या भाई भी कभी ऐसे नीच होते हैं जो भाई को काल के मुख में डालकर राजभोगों का आनंद लेते हैं? क्यों नहीं महाराज? आपके भाई सुग्रीव ने जो आपके साथ ऐसा ही व्यवहार किया था यही तो मेरा तात्पर्य था। ओ पाली, बाहर निकल, तेरा काल तुझे बुला रहा है। अरे दुष्ट पाली, तूने मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाया है। आज सुग्रीव अपना सारा बदला चुकाने के लिए आया है। आज सुग्रीव अपना सारा बदला चुकाने के लिए आया है। अरे चलो तो देखो, आज फिर उसे क्या सूझी है? ज्ञात होता है कि मृत्यु उसे स्वयं ही हमारे पास खींच लाई है। महाराज, मंत्री, महाराज, जैसे भी आप अज्ञान है, माना अज्ञान है, किंतु फिर भी महाराज, वो आपका छोटा भाई है। इसलिए महाराज उसका दोष क्षमा करने में माना अज्ञान है, किंतु आपका भाई है। इसलिए महाराज उसका दोष माफ करने में ही आपकी भलाई है। उसका दोष
करने में। हाँ सही है, चलो चलो। कायर बनाना चाहते हो, सिंह को सियार से डराना चाहते हो? नहीं महाराज, ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है ये नहीं महाराज, नहीं महाराज, मैं तो केवल इतना ही चाहता हूँ। बस बस चुप रहो, मुझे तुम्हारी सिख की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा मालूम होता है कि तूने उससे अवश्य ही रिश्वत खाई है। अरे अन्यायी क्या घर में छुप कर जान बचाना चाहता है? पाप का फल भोगने के लिए बाहर क्यों नहीं आता है? अरे ओ कायर, कुबुद्धि, मूर्ख, तुझे अब तक लाज नहीं आई? अनेकों बार मेरे सामने से भागकर जान बचाई। आज सब मालूम हो जाएगा। कायर और कुबुद्धि कौन है? भागकर जान बचाने वाला कायर कौन है? अच्छा तो ठहर जा, मैं अभी बताता हूँ। और तेरा झगड़ा सदा के वास्ते निपटाता हूँ। चला जा। अब तक छल कपट के खात से आज न बचने पाएगा हरगिज मेरे हाथ से। अरे निर्लज तू क्या समझता है? दो चार बानर इकट्ठा करके तू बाली को मार सकता है? शायद तू नहीं जानता हम किष्किंधा नरेश बाली हैं। हमारे आगे रावण जैसे योद्धा भी नहीं दिख सके। नया नाम शायद तू बाली का भूल। मेरे सामने आ ओ नामाकुल। इमीडिएट भागते हुए जरा सामने आ, फेंकी न तो चपा, फिर तक चपा। चला जा बकवास न कर, मेरे मतबे का पुस्तक हिला कर। बड़े पहाड़ में तू और तेरा मर्तबा, हड्डियां तक लूंगा मैं तेरी चबा। टकरा मत, थोड़ा गैप लेके चल। अगर जान है तुझको अपनी अजी तो भाग यहाँ से, अपतमी। यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया है सिर में तेरे ये कैसा पितू, ना खो जान अपनी ओ बेसहू। मैं तेरे कर्मों से तंग आ गया, तो मजबूर होकर भुजंग आ गया। बताता है जालिम मुझे बेशरम, भूल गया कैसा किया था कर्म? किया था जो मैंने मेरे आगे आएगा, नहीं तो मेरा स्वर्ग नाश हो जाएगा। स्वर्ग नाश नहीं होता है। तथा जो मैंने मेरे आगे आएगा, नहीं तो मेरा स्वर्ग नाश हो जाएगा, मेरा सर्व नाश हो जाएगा। ऐसा मालूम होता है कि क्या तेरी खाल खुला रही है। चाय चाय क्या नाम शायद तू बाली का भूल? मेरे सामने आओ नामकुल। आओ मेरे सामने ओ नामकुल,
सामने आना सेकी जता, बताऊं तुझे मैं भीमता का पता। चला जा ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर। अगर जान तुझको है अपनी अजीज तो चला जा यहाँ से ओ बदतमीज। यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया है सिर में ये तेरे कैसा फितूर, ना खो जान अपनी। मैं तेरे कर्मों से तंग आ गया तो मजबूर होकर भुजंग आ गया। बताता है जाले मुझे बेशरम भूल गया कैसा किया था कर्म। किया था जो मैंने वो मेरे आगे आएगा नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा मालूम होता है कि आज तेरी खाल खुजला रही है। मेरी खाल खुजला रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है। बस अधिक बातें ना बना और लड़ने के लिए तैयार हो जा। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। अच्छा,